गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और अभी सुबह के 8:30 हो रहे हैं और यहाँ पर मैं अभी दूध गर्म कर रही हूँ, उसके बाद बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ओट्स को हल्का सा रोस्ट कर लिया है और मैं बना रही हूँ आज ओट्स के चीले। तो मैंने इनको ग्राइंड कर लिया है ओट्स को मिक्सर में और एक बाउल में निकाल लिया है। उसमें मैंने ये सारी चीज़ें डालनी है, एक प्याज, एक टमाटर और जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली पेस्ट। तो आधा चम्मच मैंने हल्दी डाली है, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, ब्लैक पेपर पाउडर डाला है और थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स, आप इस जगह पर रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जीरा ऐड किया है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद ये प्याज, टमाटर, जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली का जो पेस्ट है, ये सारी चीज़ें हम ऐड कर देंगे। और ये गाजर भी ग्रेट करी हुई रह गई थी तो ये भी अभी ऐड कर रही हूँ मैं, और एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। तो उसी तरीके से जिस तरीके से हम सारी अलग अलग चीज़ों के चीले बनाते हैं ना, उसी तरीके से ओट्स के भी चीले बनाने हैं। बहुत हेल्दी, बहुत टेस्टी बनते हैं ये वाले चीले और बच्चों को भी बहुत पसंद है। इस तरीके की चीज़ें आप टिफ़िन में भी दे सकते हैं और ब्रेकफास्ट के लिए भी आप बना सकते हैं। तो बस दोनों तरफ से अलट पलट के सेक लूँगी, अच्छे से करारा करारा सेकना है और सारे चीले मैं इसी तरीके से बना लूँगी। और ग्रीन चटनी या सॉस के साथ आप सर्व कर सकते हैं, बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगते हैं। और दोनों बच्चे गए और बाकी सब सोए हुए हैं, तो अभी कुछ काम है नहीं। तो आज सुबह सुबह मैं कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। अभी क्या डेली धूप आ रही है ना, अच्छी तीखी वाली धूप आ रही है, तो डेली के कपड़े डेली सूख जाते हैं। तो ढेर लगा हुआ था, अभी मैंने कल भी फोल्ड नहीं किए थे और आज भी निकाले हैं स्टैंड से, तो वो भी मुझे फ़ोल्ड करने हैं। और जो प्रेस के लिए है वो प्रेस करने के लिए दे दूँगी, बाकी जो घर के हैं उनको तो मैं ही प्रेस करती हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 1:15, अब करूँगी मैं लंच की तैयारी। तो आलू वगैरह सब बॉईल करके थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करके रख दी है मैंने। बच्चे 2 बजे तक आएंगे, आज जल्दी घर आ जाएंगे वो, तो जब ये लोग खाएंगे तब बना के दे दूँगी आलू के पराठे। गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, पहले से बना के रख दो फिर ठंडे अच्छे नहीं लगते। और आज क्या, मैं थोड़ा सुबह सुबह ना दूसरे काम में रह गई थी, मैं कुछ ड्रेसें वगैरह लेके आई थी जयपुर से, तो वो पता नहीं मैंने कहाँ रख दी और मुझे मिल ही नहीं रही। कब से ढूंढ रही इधर से उधर, सारे वॉर्डरोब मैंने उलट पुलट कर दिए, फिर मुझे याद आया कि नहीं मैंने तो उनको अटैची में रखा था, तो फिर वो अटैची में से निकाले हैं मैंने और अब बैग में भर के रखूँगी। ये जयराज जाएगा तो इसको देने हैं मुझे कपड़े। और पास्ता भी बनाया है मैंने, बच्चे बोल के गए थे अगर हो तो मम्मी आप पास्ता भी बना देना, बहुत दिन हो गए हैं, तो वो ही बनाया। और उसके बाद आलू के पराठे बनाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने वेजिटेबल चॉपर में चॉप कर ली है और आलू के अंदर मिक्स कर दिया है। उसके बाद ब्लैक पेपर पाउडर, जीरा, रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा लेमन जूस, नमक, यही सारी चीज़ें मैंने इसमें डाली है, काला नमक भी ऐड किया है। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी और बस पराठे बेल लूँगी। बच्चे भी आ गए हैं तो गर्मा गर्म बनाती भी जाऊँगी और बच्चों को परोसती भी जाऊँगी। और कढ़ाई में जो हम आलू फ्राई करके बनाते हैं ना, मसाला बना के, वो भी आलू के पराठे अच्छे लगते हैं। और ये जो कच्चे आलू में सारी चीज़ें हम मिक्स करके बनाते हैं ना, ये भी आलू के पराठे अच्छे लगते हैं। किसी भी तरीके से बनाओ, बस आलू के पराठे खाने से मतलब होता है। वैसे भी आलू के पराठे बहुत ही यम्मी और टेस्टी होते हैं और मेरे तो फेवरेट है आलू के पराठे, मुझे तो बहुत पसंद है। और आज क्या है, पुष्पराज जा रहा है, रात को 11 बजे की ट्रेन है उसकी, तो मैंने सोचा जब गांव जा ही रहा है तो मैं अपने जो बेस है सिलवाने हैं मुझे राजपूती सूट, क्योंकि मुंबई में तो ये राजपूती सूट कोई सिलता है नहीं, पर वो जा रहा है तो मैंने सोचा मैं उसको दे ही देती हूँ सारे। ये सूट ना मैंने जयपुर से शॉपिंग करी थी, वही सूट है, सारे रखे हुए हैं अभी तक। ये कॉटन की ओढ़नियाँ हैं, इनमें भी गोटा किनारी लगानी है, तो सब अब वहीं पे रेडी करवा रही हैं मम्मी। और ये सब सूट मैंने जयपुर से ही लिए थे कॉटन के, और मैंने मम्मी को बोला मैं इनका कपड़े भेज रही हूँ, तो दिवाली के पहले, नवरात्रि के पहले सब ये कपड़े सिलवा के और तैयार करके भिजवा देना। और एक ये भी है, और ये मैं प्योर के लेके आई थी, प्योर के सूट है सारे। ये भी रेड कलर का है और ये मल्टी कलर में है, प्योर के जोड़ है ये, तो इनको भी सिलवाने दे रही हूँ मैं। तो बस अभी पैकिंग करूँगी, सारे सामान रखूँगी इस बैग के अंदर और बस, और तो कुछ नहीं है, यही रखने हैं। और ये गोटा किनारी है तो ये भी रख दूँगी, ये ओढ़नी सारी एक में कर दे और सूट सूट अलग कर दे। और
मैंने ना सारा बैग पैक करके रख दिया, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं मैं कुछ भूल रही हूँ, कुछ तो मैंने नहीं रखा। फिर बाद में याद आया, मैंने कहा अरे मेजरमेंट के लिए तो मैंने ड्रेस निकाला नहीं, वो तो रखना मैं भूल ही गई। फिर बाद में मैंने ये वाला ड्रेस निकाला मेजरमेंट के लिए, इसको बैग में रखा। और अभी टाइम हो रहा है 7:00 PM और मैं कर रही हूँ यहाँ पर फटाफट डिनर बनाने की तैयारी। 9:30 बजे वो निकलेगा घर से पुष्पराज, तो इसीलिए डिनर बना रही हूँ। और पनीर की सब्ज़ी बनाई है, सूजी का हलवा बनाया है और चपाती सेक दूंगी। मैंने उससे पूछा भी था कि क्या बनाऊँ डिनर में, तो उसने बोला था कि मुझे पनीर की सब्ज़ी खानी है, उसको मेरे हाथ की पनीर की सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो वो जब भी यहाँ आता है तो मैं हमेशा 1-2-3 बार ये सब्ज़ी तो बना ही देती हूँ, उसको बहुत पसंद भी है। क्योंकि नीचे जा जाएगा तो नीचे ही बैग वैग सब रखते हैं। हाँ एक ही है, आराम से यार, चल बाय 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 बाय। हाँ ध्यान ध्यान थी जा जाओ, चल अभी जाने बाय। और गया जयराज भी, अभी उसको बिठा के आए हम लोग घर पर। और नीचे से ही ऑटो मिल गया था तो यहीं से उसको बिठा दिया। और 11 बजे की उसकी ट्रेन है बोरीवली स्टेशन से, तो 9:30 बजे यहाँ से निकला है वो, तो आराम से 10:30 तक पहुँच जाएगा बोरीवली। और इस वीडियो को भी अब मैं यहीं एंड करूँगी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।